हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके एक और ज़बरदस्त से ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ट्रैक्टर के ऊपर से। एक्चुअली हम सब SDRF के जवान हैं जो कि हम जा रहे हैं एक ड्यूटी पे। तो आगे आगे जिस तरह आप इस वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आते रहेगा, और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे SDRF के जवान और किन हालातों में वो अपना ड्यूटी निभाते हैं। तो इस वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सारे हमारे क्रू मेम्बर हैं और हम ट्रैक्टर से जा रहे हैं अपने सारे सामान को लोड करके। रास्ता इतना ख़राब है कि बाकी दूसरा गाड़ी जा नहीं सकता। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हम यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ से इसको पार करना है। बट ये लकड़ी का ब्रिज जो है इसको, इस पर तो ट्रैक्टर जा नहीं सकता, ऊपर से हमारे सारा सामान है। तो हम अब कैसे जाएँगे वो आगे आप देखिए कितना मज़ा आएगा। ये हमारा ट्रैक्टर, ये हमारे क्रू मेम्बर सब, ये मैं और ये पीछे हमारी ट्रैक्टर, इतना सारा सामान इसमें लोड है कि अब क्या ही बताएं। अब आगे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या क्या सामान लोड है। तो हम तो ब्रिज से जा नहीं सकते, इसलिए हमने कच्ची पगडंडी का रास्ता देखा, जो कि ट्रैक्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए हमारा ट्रैक्टर जो है वो नदी में भी चल रहा है। यही तो खासियत है ट्रैक्टर की, बीच नदी में हम चल रहे हैं। ये देखिए, ये हम नदी में इंटर कर चुके हैं। हमारे सारे क्रू मेम्बर यही बात कर रहे थे कि भाई क्या ट्रैक्टर है, पानी में भी चलता है। ये हमारा दोस्त सहदेव, बाकी सब हमारे क्रू मेंबर ही है। और ये आगे हमारा ट्रैक्टर चल रही है, देखिए क्या ज़बरदस्त पानी में एकदम हड़कंप मचाए हुए। और ये मैं मुच्छू वाला आदमी तो ये वीडियो देखते रहिए, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये जो पीछे आ रहा है ना, वो NDRF का ट्रैक्टर है। हम SDRF के हैं और वो NDRF के, दोनों का वही हाल है। वो भी हमने सारे सामान ट्रैक्टर पर लोड किए, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है कि वहाँ पर आप दूसरे गाड़ी से जा नहीं सकते। बताओ आप इतने पानी में दूसरा गाड़ी चलेगा? थार और चल सकता है। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने जगह पर, डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग असम के अलग अलग कल्चर के जो भी है वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। और आस्ते आस्ते तो और भी आदमी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ आ रही है बाहर से, वही देखने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर आप जैसे कि ये बोर्ड देख सकते हैं, ट्रेन बहुत हिल रहा था इसलिए आप इग्नोर कीजिएगा। ये है नदी और इसमें हम अपना बोट फिट कर चुके हैं। और ये जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं, यही चीज़ आ रही है, इसका नाम है गंगा विलास। आपने ज़रूर नाम सुना होगा। और ये हमारे NDRF की टीम भी है और SDRF की टीम भी है, दोनों। हमको बस इनको ही सिक्योरिटी देना है, मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या, सुरक्षा देना है। हमने आके यहाँ पर बोट वोट फिट कर लिया, ये हमारा बोट चल रहा है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं बड़ा सा नदी, वो गंगा विलास है, सॉरी नदी नहीं, जहाज़, पानी जहाज़। तो हम आपको पास से भी दिखाएंगे, तो अभी चलते हैं, पास है कि नहीं। तब तक आप ये पानी यानी देखिए, जहाज़ देखिए, हैं वो जो सामने आप नाव देख रहे हैं दो, वो NDRF की टीम की है। और हम जाएंगे उस साइड, जहाज़ के उस साइड। दूर से देखने में तो लग रहा था कि काफ़ी स्लो चल रहा है और कुछ खास बड़ा नहीं है, मगर जैसे जैसे सामने गए ना बड़ा होने लगा। वो जो क्या फिल्म है ना, धमाल ना, क्या फिल्म उसे बोलते हैं ना, कि तेंदुआ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वही सिस्टम है। ये भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो हम अपने जहाज़ से निकल पड़े, सॉरी अपने पानी जहाज़ बोट IRB जो है उससे हम निकल चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास चले जाए और पास से आपको दिखाए। और हमको पास रहना भी पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हम आए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। तो वहाँ पर तो हमको जाना पड़ेगा ना पास में, इसीलिए हम अब चल चुके हैं पास में। ये पीछे आप देख रहे हो, पीछे आपके एक बोट लगी हुई थी। और ये है पूरा जहाज़ गंगा विलास, जो कि बहुत दूर से सफ़र करते हुए आ रही है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगी, यहाँ का कल्चर, जो आसपास के लोग हैं उनसे मिलेगी, बात करेंगे। यहाँ पर सारे SPDC सब कोई आए हुए हैं यहाँ पर मिलने के लिए। भीतर बहुत अच्छा फैसिलिटी है, हमने पास से देखा, शायद इस में आपको नहीं दिख रहा होगा, बट अंदर जिम वगैरह वगैरह सब फॉरेनर्स लोग फोटो सब क्लिक कर रहे थे। और वाकई में ये जहाज़ बहुत स्पीड चल रहा था, जब हम पास आए तब पता चला कि ओ माय गॉड, ये रहा नाम गंगा विलास। आपने देखा है कि नहीं, या फिर सुना है कि नाम कि नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर वीडियो थोड़ा भी कहीं भी अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, भाई को चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना खुद का चैनल है ये सोच के आप ये कीजिए। ये देखिए अभी यहाँ पर ये रुक चुका है, सिक्कड़ गिर चुका है जिससे ये रुकी हुई है, क्योंकि पूरा किनारे जा नहीं सकते क्योंकि बहुत वेट है और किनारे पानी ज़्यादा है नहीं। ये हमारा दोस्त आकाश है जो कि बोट हैंडलिंग कर रहा है।
और हम सामने से इस बड़े से गंगा विलास जहाज का नज़ारा देख रहे थे। सामने देखिए आप, इतना सारा आदमी, जैसा लग रहा है कि मेला हो गया। ये सामने हमारे NDRF के 2 बोट, और ये सामने ये गंगा विलास, और इधर पूरा आदमी मेला का तरह लग गया, क्योंकि यहाँ से जो भी टूरिस्ट आए हुए थे सब वहाँ पे बाहर गए हुए थे, और ये ड्रोन उड़ाया जा रहा था। तो यही था आज के ब्लॉग में, आपको गंगा विलास दिखाना चाहते थे, ये सारे लोग आए हुए थे। आई होप कि आपने इन्जॉय किया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर।